हिमाचल में उपचुनाव को लेकर प्रचार का दौर जोरों शोरों से जारी है। बीजेपी की कमान जहां खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथ है, तो सीएम भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। तभी तो सीएम मंडी के लिए बैक टू बैक जनसभाएं कर रहे हैं और कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल में हो रहे उपचुनाव को इस बार फाइनल से पहले सेमीफाइनल की जंग के तौर पर देखा जा रहा है। प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। एक एक दिन में तीन तीन चार चार रैलियों को संबोधित सीएम जयराम ठाकुर कर रहे हैं, यानी प्रचार में पूरी जान झोंक रखी है। सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा उपचुनाव की चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जंजहली के चोलथाच में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेसी नेताओं में बड़े नेता बनने की होड़ लगी हुई है, जिसके बाद कांग्रेसी नेता अपनी पार्टी में बड़ा कद पाने के लिए उछल कूद करने में लगे हैं। कांग्रेस के नेताओं को घेरते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को सत्ता और कुर्सी की लालसा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कोविड काल के दौरान भी तरह तरह की बातें की है और आज भी जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, ये कुर्सी हमारे लिए है, सिर्फ हमारे लिए है। और आज गलवा से लगे हैं, ऐसे लगे हैं, जब से आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद तो होड़ लगी है। पैसे विधानसभा चल रहे, ऐसे टिकट लगते हैं, ऐसे टिकट लगते हैं, जैसे पता नहीं क्या स्ट्रिंग लगा रखा है, जैसे उसको हम भी है सोचता। चुनावी दौरे के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों कन्हैया कुमार और नवजोत सिंह सिद्धू पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक पर देशद्रोह का मामला चला हुआ है तो दूसरे ने अपनी ही पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी का नाम खराब कर पूरे देश में फेमस कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रदेश के नेता शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने बाहरी राज्यों से नेताओं को लाकर अपनी कमजोरी का सबूत दिया है। लेकिन विचित्र बात ये लगी हमको, जब कांग्रेस वालों ने अपने प्रचार के लिए स्टार कैंपेनर के लिए भेजी तो उसमें नाम किसके डाले हुए हैं, जो हिमाचल के नहीं है, बाहर के लोगों के, बिहार से, कन्हैया के देश में डाले हुए डाला हुए। ये कन्हैया लाल कौन है, इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। ये वो है जो जेएनयू में कम्युनिस्ट हुआ करता था, कम्युनिस्ट पार्टी का था, और वहां पर नारे लगाता था, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, ये नारे लगाने वाला वो था। एक और बनाया सिद्धू बनाया जो हमेशा राहुल गांधी के बारे में क्या बोलता था, पप्पू पप्पू क्या करके पूरे देश में हमने प्रसिद्ध किया उनको। जयराम ठाकुर ने चुनावी जनसभा के दौरान बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के पक्ष में वोटों की अपील की। सीएम ने बैक टू बैक सराज के छतरी, चोलथाच और कुल्लू जिला के बंजार में चुनावी जनसभाएं की, यानी मंडी की कुर्सी बीजेपी के खेमे में रखने के लिए मुख्यमंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वीरेंद्र भारद्वाज, मंडी, खबरें अभी तक।